भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही, हम क्यों छोड़ेंगे? से लड़ने की बातें आपकी तरफ से आ रही है, चिराग पासवान अड़ने वाले हैं हाजीपुर पे। हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई? भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा, और विपक्षी एकता बंद इसको बेटा। विपक्षी एकता की जहां तक आपने बात की भाई, महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली। मैं बार बार दोहराता हूं, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता। महिला खिलाड़ियों के साथ लगातार दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर तेजस्वी यादव भी चुप्पी साध रखे, नीतीश कुमार भी चुप्पी साध रखे, बिहार में लगातार ऐसी घटना सामने आती है। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और जरूरी है इन घटनाओं की जांच और निष्पक्ष जांच, बिना किसी के दबाव के जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बात को मैं पूरी अथॉरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा, किसी भी राजनीतिक दबाव के तहत आकर अगर महिलाओं का उत्पीड़न कहीं पर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, वो गलत है, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हुआ, किसकी रिपोर्ट आई, आज तक कौन सा अपराधी पकड़ा गया? एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, कितने अपराधियों को इन्होंने पकड़ लिया? जहरीली शराब से लेकर कितने गिरोह या कितने तस्करों को इन्होंने पकड़ लिया? तो आप पे विश्वास कोई करे तो कैसे करे? पेपर लीक हो जाता है, कितने दोषियों पे कार्रवाई हुई, तो बताएं ना मुख्यमंत्री जी, आप पे विश्वास कैसे करें? इसीलिए केंद्रीय एजेंसीज आए, जांच करें, और दूध का दूध पानी का पानी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं बिहार में, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पुल था जो गिरा है। और मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना करप्शन के लिए, सबसे ज्यादा देश में अगर कोई टॉलरेट कर रहा करप्शन को, तो वो यही मुख्यमंत्री। चिराग जी, लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ ही मांग भी शुरू हो गई है, जीतनराम मांझी 5 सीट मांग रहे हैं, आपका क्या होगा डिसीजन? आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ आपके कास्ट करेंगे? आई थिंक आई हैव सेड दिस रिपीटेडली एंड आई अगेन रिपीट फॉर द रिकॉर्ड, ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है। चुनाव जब आएगा उस वक्त गठबंधन की चर्चा की जाएगी। आज मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया, और मुझे खुशी है भाई इतनी ही देर में इतने सारे सुझाव आए हैं जो हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने इशू किया। तो पहले मैं बिहार और बिहारियों के सहयोग से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग तैयार कर लें, क्योंकि मौजूदा सरकार विजनलेस है। इनसे आप पूछिए क्या समाधान है, समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले थे ना, क्या समाधान मिला इनको? जहरीली शराब से हो रही हत्याओं का, या बढ़ते अपराध का, बढ़ते भ्रष्टाचार का, या गिरती स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा का, यहाँ पे क्या समाधान ढूंढे? तो एटलीस्ट अगर ये नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल प्राथमिकता हमारी एक अंतिम सवाल है फैसला लेने में जिस तरह से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, फैसला लेने में जिस तरह से असमंजस की स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में फिर से एक बार बार्गेनिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कुछ इधर अगर बेहतर नहीं हुआ तो उधर करेंगे? बहुत समय है, क्यों इतनी चिंता है गठबंधन को लेकर? मैं बस इतना जरूर कह देता हूँ कि गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो मैं भी कभी कभी विभिन्न चैनलों पर सुनता हूँ कि ये सीट वो सीट, वो सब सरासर गलत है। क्या बात हो रही है, नहीं बात हो रही है, वो मुझे पता है, कई शीर्ष नेताओं को पता है, और सही समय पर आने पर वो भी साझा।